हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ओव्यूल। फॉर्म्स ऑफ ओव्यूल का मतलब है ओव्यूल कितने तरीके से पाया जाता है और उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो जनरली जब हम फॉर्म्स ऑफ ओव्यूल पढ़ते हैं हम तो इसमें चार तरह के फॉर्म्स पढ़ेंगे। पहला फॉर्म होता है जिसको हम बोले एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस। सबसे पहला क्या होता है? एनाट्रोपस। ठीक है, अब ये जो एनाट्रोपस है इसका मतलब क्या होता है? देखो ये जो बना है इस वर्ड के अंदर है वर्ड एना। एना का मतलब क्या होता है? दिस एना वर्ड से बना हुआ है एना वर्ड। एना का मतलब होता है बैकवर्ड। क्या होता है इसका मतलब? बैकवर्ड। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का डायग्राम तो याद होगा ना सबको, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था कि यहां पर जो ओव्यूल है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे देखते हैं, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। क्या दिख रहा है ये डायग्राम? कैन यू सी द फर्स्ट डायग्राम? इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है? देखियो एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है ये ओव्यूल बेंड हो जाता है फ्यूनिकल की तरफ। किसकी तरफ? फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एंड एक ही तरफ होते हैं, यानी फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, मतलब माइक्रोपाइलर एंड किसकी तरफ पाया जाएगा? फ्यूनिकल की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि ओव्यूल जो है वो बेंड हो गया अलोंग दी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ वो बेंड हो गया है, सो दैट माइक्रोपाइल जो है वो किसके पास आ जाए? हाइलम के पास आ जाए। यानी कि यहाँ पर हाइलम और हाइलम और माइक्रोपाइलर एंड दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पास हो गए। हाइलम याद है ना आपको, मैंने बताया था हाइलम वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, दिस इज द हाइलम। ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट, तो यानी कि ये डायग्राम किसका है? ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है, तो पहला फॉर्म हो गया हमारे पास एनाट्रोपस। कौन सा हो गया? एनाट्रोपस। समझ में आया क्या डायग्राम? समझ में आया? ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास। अच्छा, एनाट्रोपस जो होता है ना ये मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि ज्यादातर जितने भी आपको ओव्यूल मिलेंगे वो कौन से फॉर्म में मिलेंगे? एनाट्रोपस फॉर्म में मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। अब ये ऑर्थोट्रोपस क्या है? जब हम ऑर्थोट्रोपस की बात करते हैं, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। देखो वर्ड से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओव्यूल किसी भी बेंड फॉर्म में नहीं है, यानी कि कहीं से भी वो बेंडिंग पोजीशन में नहीं है। कैसी फॉर्म में है? वो स्ट्रेट फॉर्म में है, वो स्ट्रेट फॉर्म में है। डायग्राम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? ओव्यूल कौन सी पोजीशन में है? इरेक्ट पोजीशन में। कौन सी? इरेक्ट। ठीक है, देखेंगे। कैन यू सी द सेकंड डायग्राम? देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ओव्यूल है वो कैसी पोजीशन में आ गया? इरेक्ट पोजीशन में आ गया। इस तरह की पोजीशन में जब ओव्यूल मिलता है तो उस तरह के ओव्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या होता है वो? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जनरली इस तरह का ओव्यूल जो पाया जाता है या मिलता है वो किसमें मिलता है? वो मिलता है बीटल के अंदर। किसके अंदर मिलता है? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? बीटल। ठीक है, और भी कई सारे प्लांट्स हैं, हमें एक एक एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है। तो बीटल में हो गया। तीसरे तरीके का जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है? दैट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, एम्फी का मतलब होता है बोथ साइड्स, यानी कि कहीं ना कहीं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया होगा। कौन सी पोजीशन में आ गया? हॉरिजॉन्टल, देखते हैं। तो तीसरा है हमारे पास एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जिसका मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ साइड, AMPHI, एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ साइड। नाउ यहां पर क्या हो रहा है कि ओव्यूल जो है वो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल के फॉर्मेशन में आ जाता है, यानी कि राइट एंगल की पोजीशन में बन जाता है और कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, जनरली किस में पाया जाता है ये?
ये डकवीड करके प्लांट होता है, उसके अंदर मिलता है। एग्जांपल डकवीड, ठीक है, डकवीड विच इज आल्सो नोन एज अ लैमे, लैमना, विच इज आल्सो नोन एज अ लैमना। डायग्राम देखते हैं इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। देखिए थर्ड डायग्राम, कैन यू सी द थर्ड डायग्राम? ये जो है ये कैसा है? इट इज एम्फीट्रॉपस। तो देखो ये कैसा बन गया, ये कुछ ना कुछ इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पर क्या बन गया, एक तरह का 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसलिए हमने कहा ये राइट एंगल डिग्री में आ जाता है, यानी राइट एंगल बना लेता है। तो फ्यूनिकल के साथ राइट एंगल बना रहा है, यानी कैलेजल एक एंड में चला गया, कैलेजल एक एंड में चला गया और माइक्रोपाइल दूसरे एंड में चला गया। समझ में आया? तो दोनों, इसलिए हमने कहा बोथ साइड, यानी कि दो साइड डिवाइड हो गई है। एक तरफ क्या कैलेजल एंड चला गया, दूसरी तरफ माइक्रोपाइलर हो गया, और फ्यूनिकल ने क्या बना लिया, एक राइट एंगल बना लिया है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एम्फीट्रॉपस। इसको क्या बोलते हैं? एम्फीट्रॉपस, ठीक है। तो इसमें फाइनल आता है फोर्थ। फोर्थ कौन सा होता है? फोर्थ को बोलते हैं कैम्फाइलोट्रॉपस। क्या बोलते हैं? कैम्फाइलोट्रॉपस। लिख लेते हैं इसको CAMPYLOTROPOS, ठीक है, कैम्फाइलोट्रॉपस। अब ये कैम्फाइलो जो ट्रॉपस है, इसका मतलब क्या होता है? कैम्फाइलस का मतलब होता है कर्व, यानी कि कहीं ना कहीं ओव्यूल ने एक कर्व पोजीशन ले ली है, ठीक है, और उस कर्व पोजीशन की होने की वजह से वो कैसा दिखने लग गया है, वो कुछ ना कुछ हॉर्स शू, कैसे दिखने लग गया है, हॉर्स शू की से। हॉर्स शू देखा है ना किस तरह से होता है, इस तरह का बेंडिंग पोजीशन होती है, देखी होगी सब लोगों ने, ये वाली पोजीशन, ये हॉर्स शू की पोजीशन होती है। ऐसे ही ओव्यूल दिखेगा। किसमें पाया जाता है? जल्दी क्रूसीफेरे फैमिली में पाया जाता है, जिसका एक एग्जांपल मस्टर्ड भी है हमारे पास। जितनी भी क्रूसीफेरा फैमिली होती है उसके अंदर कौन सा ओव्यूल मिलता है? उसके अंदर कैम्फाइलोट्रॉपस मिलता है। कैसे देखें कैम्फाइलोट्रॉपस को? दिख रहा है ये, इज इट बेंडेड, ये बेंड के फॉर्म में आ गया, हॉर्स शू की शेप ले ली इसने, इसकी शेप ले ली, हॉर्स शू की शेप ले ली, ठीक है। अब हमने चार तरह की पढ़ ली, पहला हमने पढ़ा एनाट्रॉपस, दूसरा पढ़ा हमने ऑर्थोट्रॉपस, तीसरा पढ़ा हमने एम्फीट्रॉपस, और चौथा पढ़ा हमने कैम्फाइलोट्रॉपस। तो ये चार टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं ओव्यूल में। लेकिन मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, यानी एनाट्रॉपस जो होता है मतलब मोस्टली यही पाया जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसका डिटेल एक डायग्राम है यहाँ पर, इस डायग्राम को एक बार आप सब लोग देखें ध्यान से, डायग्राम दिख रहा है सबको? इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ तो मैं कल की क्लास में आप लोगों को शेयर कर ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला पार्ट जो इसके अंदर बताया था एम्ब्रोसेक बताया था मैंने। एम्ब्रोसेक क्या है? एम्ब्रोसेक वो पार्ट है जो सारे के सारे एंटीपोडल सेल्स, एग सेल्स और न्यूक्लियस और सिनेजर्स को जिसने कवर कर रखा है, उसको हमने एम्ब्रियो सेल बोला है, क्योंकि मेन जो सेल्स हैं वो इसी के अंदर है, ठीक है। इस एम्ब्रियो सेल को, इस एम्ब्रियो सेल को जो कवर करके रखता है उसको हम बोलते हैं न्यू सेलस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यू सेलस। और न्यू सेलस जो है इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब न्यू सेलस का क्या है, ये मल्टी लेयर होता है। क्या होता है ये? मल्टी लेयर। और कह सकते हैं कि ओव्यूल की जो मेन बॉडी बनी होती है वो किससे बनी होती है? न्यू सेलस से बनी होती है, ठीक है। होता क्या है, अगर हम न्यू सेलस की बात करें तो इस न्यू सेलस के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये न्यू सेलस है, न्यू सेलस को दो लेयर हैं, एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? वन लेयर एंड टू लेयर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंट्यूब्यूमेंट्स। तो न्यू सेलस इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं इंट्यूब्यूमेंट। तो इंट्यूब्यूमेंट्स क्या है? एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल जैसा मैंने आपको बताया था, माइक्रोपाइल क्या होता है? एक स्मॉल पोर होता है, इट इज अ स्मॉल पोर, जिसके अंदर से क्या एंटर होता है, जिसके अंदर से
एंटर होता है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एंटर हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, एक शॉर्ट स्टॉक है जो जिसके ऊपर ओवरी रेज्ड है, ठीक है, इसको बोलेंगे शॉर्ट स्टॉक ऑन विच ओवरी इज रेज्ड, ठीक है। तो ये बेसिक एनाट्रोपस ओवरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने समझा, ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, आप हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने हम पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने बताया था तो क्या बन रहे थे, पोलन ग्रेन बन रहे थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा होगा, मेगास्पोर बन रहे हैं, वहां पर क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर बन रहे थे, माइक्रोस्पोर किससे बन रहे थे, फ्रॉम प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यहाँ पर मेगास्पोर बनेंगे किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब जब मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज एमएमसी, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसको एमएमसी। एमएमसी क्या होता है, MMC की जब हम बात करते हैं तो MMC is a large cell containing, एक large cell होता है, large cell containing dense cytoplasm, इसके अंदर क्या होता है, dense cytoplasm, और क्या होता है, और इसके अंदर हर एक जो cytoplasm होता है उसके अंदर, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म है, साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, प्रोमिनेंट यानी बहुत ही विजिबल न्यूक्लियस होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, राइट। अब एमएमसी की जब हम बात कर रहे हैं तो एमएमसी के बारे में हमें इसलिए भी पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जो हमारा मेगास्पोर बनेगा वो किससे बनेगा, वो एमएमसी बनेगा, यानी मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल में ऐसा क्या होता है कि वो मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो होता है क्या है, देखिए इसको अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, देखते हैं, हमारे पास एक मेगास्पोर यानी एमएम मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस दो फेजेस में होता है, आपको पता होगा, मियोसिस वन के बाद क्या बनता है, ये मेगास्पोर डायाड बनता है, यानी टू न्यूक्लियस, यानी दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसके अंदर क्या बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और क्या बनेंगे इसको, मेगास्पोर डायाड बनेंगे, स्पोर डायड, ठीक है। जैसे ही मेगास्पोर डायड बनता है, वापस से मियोसिस होता है, इसको बोलेंगे मियोसिस टू, ठीक है।
यहां पर बनते हैं चार सेल जिसको हम बोलते हैं टेट्राड, एक दो तीन, दो तीन चार। तो क्या बन गया यहां पर मेगास्पोर टेट्राड बन गया। मेगास्पोर टेट्राड जो होता है ये अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसके इन चारों मेगास्पोर टेट्राड में से एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और बाकी के जो तीन मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एक बनेगा वन, एक तो बनेगा फंक्शनल का स्पोर और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आगे जाके ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और बाकी के क्या होंगे, बाकी के जो तीन मेगा स्पोर होंगे वो डी जनरेट हो जाएंगे। एक बार आप सब लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ओके चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ उसको, उससे और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी दिस डायग्राम, जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया है सबसे पहले क्या था, मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर डायड बनाया यानी दो न्यूक्लियस हो गए, फिर बना टेट्राड यानी चार न्यूक्लियस हो गए और फिर ये फाइनली उसमें से तीन तो डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल मेगास्पोर बना। अच्छा ये कौन से फॉर्म में रहा होगा, ये 2n के फॉर्म में होगा और यहाँ पर ये सारे के सारे कौन से फॉर्म में बन गए होंगे, n n n n, यानी कि ये यहाँ पर डिप्लॉइड फॉर्म में था और ये यहाँ पर कौन से फॉर्म में पहुंच चुके हैं, हैप्लॉइड। यानी कि हमें जो एक फंक्शनल मेगास्पोर मिला ये भी कौन से फॉर्म में होगा, हैप्लॉइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तभी तो n मेगास्पोर यानी फंक्शनल मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर कंबाइन होंगे तभी किस फॉर्म में चले जाएंगे, डिप्लॉइड फॉर्म में, जब उनका फ्यूजन होगा। तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये देख रहे, देखो क्या हो रहा है, ये माइक्रो यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो ये न्यू सेलेस है, ये क्या है न्यू सेलेस जो मैंने आपको दिखाया था, न्यू सेलेसिस, ठीक है। न्यू सेलेसिस किसके सराउंडिंग, एंड्रॉइड सेक के। अब एंड्रॉइड सेक के सराउंडिंग में न्यू सेलेस होते हैं और न्यू सेलेस के अंदर क्या होता है, न्यू सेलेस के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, ये दिस इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन हुआ तो मेगास्पोर मदर सेल जो इसके अंदर है इतने छोटे छोटे मेगास्पोर मदर सेल ये क्या बन जाते हैं, डायड के फॉर्म में चले जाते हैं, कौन से फॉर्म में चले जाते हैं, डायड के फॉर्म में। और फिर वापस से मियोसिस टू होता है और मियोसिस टू इनको क्या बना देता है, टेट्राड बना देता है, इनको क्या बना देता है, टेट्राड बना देता है। तो दिस इस तरीके से चेंजेस होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, एक ओव्यूल के अंदर, ठीक है, किसके अंदर होते हैं, ओव्यूल के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहता है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। फिर गैमेटोफाइट है हमारा अगला टॉपिक है, फीमेल गैमेटोफाइट, अगला टॉपिक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए फीमेल गैमेटोफाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट में इसमें क्या हो रहा है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो ग्रो होता है, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस है अब मियोसिस हो चुका है, तो मियोसिस के बाद क्या होगा, वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी तीन तो डीजनरेट हो गए, ये ग्रो होता है और ग्रो होके, ग्रो कैसे होगा, ये इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा और माइटोसिस होकर ये डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है एट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्या बना लेता है, एट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेता है, ठीक है। और जब ये एट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं
तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रॉय सैक, और इट इज ऑल्सो नोन एज मेगा गैमेटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेगा गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो मेथड होता है जिसमें एम्ब्रॉय सैक फॉर्म करता है एक सिंगल मेगा स्पोर, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक सिंगल मेगा स्पोर का बनने को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेगा स्पोर, क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा ये तो बात रही हमारी मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जो एम्ब्रॉय सॉक, जब हम एम्ब्रॉय सेक की बोलते हैं इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, कि अलग 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 प्लांट्स के अंदर, अलग अलग एंजियोस्पर्म के अंदर ये कहीं तरीके के टाइप्स के भी मिलते हैं, तो हमें इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, अब एम्ब्रॉय सेक जैसे मैंने कहा कि अगर एक सिंगल मेगास्पोर बन रहा है तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बन रहा है, समझने वाली है वो है पॉली और ये पॉलीगोनम जो है ये 70% ऑफ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, 70% एंजियोस्पर्म में मिलता है। ठीक है, आता कहाँ है, कहां से आएगा? सिंगल कॉपी से बताइए, पॉलीगोनम जो बनेगा ये किससे बनेगा? सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियस से बनेगा। ठीक है, अब कई सारे मैंने जैसे कहा देयर आर सेवरल अदर टाइप ऑफ एम्ब्रॉय से जिसको हम मतलब जो कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेगास्पोर न्यूक्लियाई किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है इन डेवलपमेंट। ठीक है, हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस हम मैं आपको तीन आपको इसके टाइप बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। पहला जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक खुद ही बता रहा है आपको कि इसमें क्या बन रहा है, एम्ब्रॉय सेल एक मदर सेल से बन रहा है। एम्ब्रॉय सेल कम्स फ्रॉम वन स्पोर न्यूक्लियस। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पॉलीगोनम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीगोनम जो है उसके अंदर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मिलता है। पॉलीगोनम के अंदर कौन सा मिलता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मिलता है। दूसरा आता है बाईस्पोरिक, दूसरा आता है बाईस्पोरिक। बाईस्पोरिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब हम बाईस्पोरिक की बात करें तो यहाँ पर एम्ब्रॉय सेक जो होता है वो दो मेगास्पोर न्यूक्लियाई से आ रहा है, यानी फॉर्म कहाँ से बन रहा है? ये दो मेगास्पोर से। एम्ब्रॉय सेक कम्स फ्रॉम टू मेगा स्पोर न्यूक्लियस। कॉमन एग्जाम्पल होता है इसका एलियम। तीसरा टाइप का आता है उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक, नाम खुद बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर कितने होंगे? चार मेगा स्पोर होंगे टेट्रा। ठीक
टेट्रास्कोरिक का मतलब यहाँ पर एम्ब्रॉय सेक जो आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 4 मेगास्पोर से आ रहा है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों इसका ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। पंचानन महेश्वरी ने 1950 के अंदर ये तीन टाइप के हमें क्लासिफिकेशन बताए थे, जिसको हम आज मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक बोल रहे हैं। तो तीन तरह के क्लासिफिकेशन बताए थे, किसने बताए थे, पंचानन। महेश्वरी इन 1950 के अंदर हमें ये बताया था ठीक है। अब ये तो हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब जो चीज आती है वो समझने आती है कि एम्ब्रॉय सेक का जो डेवलपमेंट है वो किस फॉर्म में होता है, क्योंकि हमने देखा कि वो 8 न्यूक्लियस क्रिएट कर लेता है, लेकिन उस 8 न्यूक्लियस का रोल क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं अपन, तो अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसमें वो है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय सेक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सेक की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि मेगास्पोर जो होता है वो कैसे डिवाइड हुआ था, फंक्शनल मेगास्पोर जो हुआ था वो डिवाइड हुआ था और उसने कितने बना लिए थे, 8 न्यूक्लियस बना लिए थे ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय सेक। अब जब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय सेक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या बनाए थे, 8 न्यूक्लियाई बनाए ठीक है। कैसे बनाए, माइटोसिस करके। अब ये 8 न्यूक्लियस क्या हैं और किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है, जैसे माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई जो बनते हैं वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं ठीक है, क्या चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टू अपोजिट पोल्स ठीक है। कहां चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। अपोजिट पोल्स यानी दो एंड बताए थे, एक को हम बोलते हैं कैलेजल एंड, दूसरे को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड ठीक है। तो दोनों जो है वो कहाँ, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, फॉर्मिंग दी 2 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रॉय सेक। सबसे पहले क्या बना, 2 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रॉय सेक जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर डायड ठीक है, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियेटेड। एम्ब्रॉय सेक में अभी कितने हैं सेल, 2 न्यूक्लियेटेड सेल हैं। इसी को हमने क्या बोला, जो हमने पढ़ा था अभी, मेगास्पोर डायड ठीक है। अब क्या हुआ, मेगास्पोर डायड बनने के बाद क्या होगा, वापस से सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसने बनाए 4 न्यूक्लियेटेड, और बाद में ये कौन से स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ये 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज पे बन जाते हैं, यानी कि 2 मोर sequential
डिवीजन हुए, इसने बना दिया हमारे पास चार न्यूक्लियाई, फोर न्यूक्लिएट एंड फाइनली एट न्यूक्लिएट से क्या बन गए हमारे पास, एट सॉरी चार से क्या बन गए, एट न्यूक्लिएट स्टेज आ गई इसकी एम्ब्रॉयड सेल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं ना ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसके इमीडिएटली उसके बाद होना शुरू हो गया, यहाँ पर ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वो डिवीजन होता है जहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर। तो यानी डिवीजन कैसा है ये, दिस डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब जो एट न्यूक्लियर स्टेज है वो क्या क्या बनाते हैं, ये एट न्यूक्लियर स्टेज पे पहुंचने के बाद ये एक्चुअली में फॉर्म कर रहा है एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या हो रहा है देखो, क्या हो रहा है इसमें, एट एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद क्या हो रहा है, ये फॉर्म कर रहा है एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रॉयड सेल। ठीक है, जैसे ही बन गया ये क्या बन गया, एक फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। हुआ क्या देखो वापस से, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर। इसमें क्या हुआ, मैंने कहा आपको माइटोसिस हुआ, कितनी स्टेज पर पहुंच गया ये, वापस से क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ। ठीक है, कौन से स्टेज पर पहुंच गया ये, यानी एट न्यूक्लिएटेड बन चुका है। अब क्या हो रहा है, ये ही एम्ब्रियो सेल बन रहा है, पर क्या है यहाँ पर इन न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो गया। न्यूक्लियस कैसे हो गया, सेंटर में आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो होते हैं तीन सेल बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पर जिसको हम माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बात कर रहे हैं, इसमें भी तीन सेल होते हैं, सेंटर वाला सेल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग सेल, इसको तो बोल देते हैं अपन एग सेल। और बाकी के जो दो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम टू सिनर्जिन्स, क्या बन गए, दो सिनर्जिड बन गए बच्चों। ठीक है, तो इसी टिपिकल इस चीज को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो सेल। क्या बोलना, ठीक है, तो उसका डायग्राम दिखाता हूं आप लोगों को, उससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए
लेट्स सी दिस डायग्राम. देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज कैलेजोलैंड. कैलेजोलैंड में एक दो और तीन क्या बन गए हैं, एंटीपोडल सेल बन गए हैं. ठीक है, सेंटर में क्या आ गए हैं, यहाँ पर एक और दो पोलर न्यूक्लाई आ गए. ठीक है, इसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, ये सेंट्रल सेल बोलते हैं. यहाँ पर एक जो बैक साइड वाला जो सेल है इसको हम बोलेंगे एग एग सेल, और ये जो दो है फ्रंट के अंदर, दीज टू वन एंड टू, इनको हम बोलेंगे सिनर्जिज. ठीक है, तो ये एक बेसिकली कहाँ होते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं. तो सिनर्जिज और एग तो मिलते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और एंटीपोडल मिलता है कैलेजल एंड की तरफ. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, डेवलपमेंट हमने पढ़ा है किसका, एम्ब्रॉय सेक का. अब जो एम्ब्रॉय सेक है जिसमें हम बोलेंगे एट न्यूक्लियाई होते हैं विच अंडर गो वेरियस डेवलपमेंट चेंजेस, वो मतलब क्या हो रहा है. देखो हम देख रहे हैं कि ईच एंड ऑफ एम्ब्रॉय सेक के अंदर कितने आ जाते हैं, देयर हैज फोर न्यूक्लियाई. ठीक है, वन न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ फोर मूव्स टुवर्ड द सेंटर. कहाँ चले जाएंगे, दो तो सेंटर में चले जाएंगे. ठीक है, द न्यूक्लियाई आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. जो नीचे वाला है जैसे मैंने बताया था, सेंटर वालों को हम क्या बोलेंगे, सेंटर वालों को हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई. सेंटर वालों को हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो गए उनको सिनर्जिड्स प्लस एग, और जो कैलेजल एंड की तरफ गए उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल. क्या ये समझ में आया. अच्छा, जो माइक्रोपाइलर की तरफ होते हैं ना, जो माइक्रोपाइलर की तरफ जाते हैं जिनको हम बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल, नहीं सॉरी, माइक्रोपाइलर की तरफ हम सिनर्जिड्स या एग सेल बोल रहे हैं. इसी को, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस. क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग एग एपरेटस. एग एपरेटस क्या है, एग एपरेटस किसको कहा जाता है, जो तीन सेल है. ठीक है, कौन कौन से, दो तो सिनर्जिड प्लस वन एग सेल, इसको ही क्या बोलते हैं, हम एग एपरेटस बोलते हैं. ठीक है, और इसमें से एक सेल जो है वो इनलार्ज होता है, मतलब ये आप जैसे मैंने बताया था कैसे होता है, इस तरह से होता है. ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये सेल तो हो गया एग, और ये दोनों कौन से हो गए, ये हो गए सिनर्जिड्स. आप नोटिस करो, देखो एक सेल जो है थोड़ा सा इनलार्ज है, यानी बड़ा है. एक सेल क्या हो जाता है, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, और यही एग सेल जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट. क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं. ठीक है, और बाकी के जो दोनों साइड में होते हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स. ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, चाहे मैं आपको बताना भूल गया. वहाँ पर देखिए, वहाँ पर यहाँ ये दिख रहे हैं डी स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, पर फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं. अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस है क्या, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि पोलन ग्रेन को गाइड करते हैं, पोलन ग्रेन को गाइड करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सॉरी, पोलन ग्रेन बोल रहा हूँ, आई शुड से दैट ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि किस तरफ जाना है. तो यहाँ पर होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस का सिंपल सा काम होता है, ये गाइडिंग का काम करते हैं. किसका काम करते हैं, गाइडिंग, क्योंकि गाइड एक तरह की गाइडिंग दी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं. जो पोलन ट्यूब आ रही है ना, यूनिकल में से होते हुए निकल के आएगी और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एंटर होगी, तो पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम किसका होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है. कब, ठीक है, यहां तक समझ में आया.
एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो एक मैच्योर एम्ब्रॉय सैक होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियर होते हैं। देखिए दो कंडीशन है, ये बोल रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो एक मैच्योर एम्ब्रॉय सेक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियाई जो होता है वो कितने होते हैं। हमेशा याद रखना कि बिफोर फर्टिलाइजेशन दीज आर बेसिकली देर आर सेवन न्यूक्लियाई, कितने हो जाते हैं सेवन न्यूक्लियाई। अब आप पूछोगे सर आपने तो बताया भी एट न्यूक्लियाई थे, सेवन कैसे हुए। ठीक है, तो सेवन ऐसे हुए बच्चों कि आउट ऑफ दीज एट न्यूक्लियाई जो छह न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और वन जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी कि एट के अंदर से यानी सेवन सेल स्टेज में चला गया। कितने सेल की स्टेज में चला गया, सेवन सेल। तो इसके अंदर क्या हो गए, देर आर सिक्स सिक्स आर हैप्लॉइड एंड वन इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है तो इसका मतलब यहां पर सिक्स न्यूक्लियस है, यहां पर दो न्यूक्लियस है, सिक्स प्लस टू कितने हुए एट न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एक जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक होता है इट इज ऑलवेज एट न्यूक्लिएटेड, एट न्यूक्लियट एंड सेवन सेल। सेवन सेल कैसे हो गया, वन सेल यहां पर है और सिक्स सेल यहां पर है, दिस इज सेवन सेल और टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए एट न्यूक्लियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है।